पहले मध्य प्रदेश में उन्हीं के राज्य नेताओं को नहीं पता था कि उनको चुनाव खेलने का आदेश मिलने वाला है, तो इससे पता चलता है कि केंद्र बीजेपी और मध्य प्रदेश के बीजेपी में कितना एक बड़ा एक फाक है, कितना बड़ा एक दरार है और एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहा वहाँ पर। उसके विपरीत हम राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी राज्यों के नेताओं के साथ बातचीत कर रही है, राज्यों के नेताओं को पूरी तरीके से सम्मान दे रहे हैं, राज्य के नेताओं के अनुसार ही हम रणनीति बना रहे हैं। तो यही है फर्क भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में प्रदेश के नेताओं के द्वारा चुनाव लड़ना चाहती है, और इसीलिए हर लड़ाई में जीत कांग्रेस पार्टी की होगी।